नगर विभाग के दफ्तर में बुधवार को चौकीदार शिव नारायण पाटीदार ने मेन गेट पर ताला जड़ दिया। खजुराहो सीनियर बालक छात्रावास में चौकीदार शिव नारायण पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज था और इसी के चलते वो अपने बेटे की फीस नहीं भर पा रहा था। पाटीदार की तालाबंदी के बाद विभाग के कर्मचारी और अधिकारी छात्रावास में ही कैद हो गए थे। शिव नारायण की तकलीफ के बारे में जब अफसरों को पता चला तो उसे 2100 रुपए दिए गए, तब कहीं जाकर शिव नारायण ने ताला खोला। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों का बजट न आने की वजह से परेशानी है, फाइनेंस के लिए फाइल गई हुई है। जैसे ही ये फाइल आती है वापस, इसके बाद तत्काल सभी खातों में पैसा भेजा जाएगा। कर्मचारियों का बजट न आने की वजह से कर्मचारी परेशान है, 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं हुई, बजट फाइनेंस में जो है वो अप्रूवल के लिए गया है, जैसे ही आ जाता है तत्काल अपने जनजाति कार्यालय जिला छतरपुर आया था। समस्या मेरी ये है कि मेरे बच्चे की फीस जमा होना है और लास्ट पेपर है उसका, वार्षिक परीक्षा फीस जमा होने 2100 रुपया, तो विगत पाँच माह से तनख्वाह नहीं मिली। अब हम कहाँ से फीस जमा करें? मैंने सर से कहा कि 5000 की व्यवस्था करा दो, कहीं से तनख्वाह मिले तो वापस कर देंगे। बोले यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती। डिंडौरी में पैरा में आग लग